तो आज ये स्ट्रीट फूड चैलेंज का चौथा दिन और मैंने बर्गर की रेसिपी ट्राई करी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपन आलू की टिक्की बनाएंगे। आलू की टिक्की मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई है। आलू की टिक्की के लिए मैंने 3 आलूओं को बॉईल कर लिया है। अब इसमें बारीक कटी हरी मिर्च और लहसुन डालेंगे। अब इसमें थोड़े मसाले डालेंगे। मैंने मसालों में सबसे पहले धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, अमचूर पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक लिया है। अब इसमें हरा धनिया डालेंगे और आलूओं को अच्छे से मैश कर लेंगे। आलूओं की बाइंडिंग के लिए इसमें थोड़ा सा मैदा डालेंगे, जिससे ये अच्छे से मिल जाएगा। अब इससे आलू की टिक्की बनाएंगे। आलू की टिक्की की शेप आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग मोटी या पतली रख सकते हैं। जब आलू की टिक्की बनकर तैयार हो जाए तो इसे घी या तेल में डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको सिर्फ फ्राई किया है। आलू की टिक्की जब तक क्रिस्पी होती है तब तक आप इसको अच्छे से सेकें। जब आलू की टिक्की अच्छे से क्रिस्पी हो जाए तो इसी पैन पे थोड़ा सा घी लगा के बन को भी सेक लेंगे। जब सारी चीज़ें बनकर तैयार हो जाएगी तो अपन बर्गर बनाएंगे। सबसे पहले इस पर हरी चटनी लगाएंगे। हरी चटनी लगाने के बाद इस पे लाल चटनी लगाएंगे। इस पर अपनी पसंद की मेयो लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपल मेयोनीज लगाई है। अब इस पर आलू टिक्की रखेंगे। उसके बाद में टमाटर, प्याज और मैंने पत्ता गोभी यूज किया है। इन सब के बाद मैंने थोड़ी हरी चटनी और लाल चटनी भी डाली है। दूसरे वाले बन के ऊपर सॉस लगा के इसको अच्छे से कवर करेंगे। तो लीजिए, आपका स्ट्रीट स्टाइल बर्गर बनके तैयार है। आप इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है। इस तरीके से बर्गर बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।